नमस्कार, मैं हूं पारुल गंगवार और आप देख रहे हैं यूपी की आवाज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। जालौन के कोंच में उस समय लोगों की भारी भीड़ एकत्रित हो गई जब कोंच कोतवाली के मुख्य चौराहा मारकंडेश्वर पर कुछ दबंग लोग दो युवकों के ऊपर जमकर लाठी डंडे चलाकर बेरहमी से पीटने लगे। वहीं किसी व्यक्ति ने मारपीट का लाइव वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस मौके पर यूपी 100 पहुंची, लेकिन तब तक युवकों की पिटाई करने वाले हमलावर फरार हो गए। वहीं पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर सक्रियता दिखाते हुए हमलावरों की गाड़ी को बरामद कर मारपीट करने वालों एक दबंग हमलावर को भी गिरफ्तार कर लिया है। कोंच पुलिस क्षेत्राधिकारी संदीप वर्मा ने बताया कि बीती शाम जो मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, इस संबंध में पुलिस को लिखित तहरीर भी मिल चुकी है और हमलावरों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। एक लिखित शिकायती पत्र आया थाने में कि कुछ लोगों से वहां पे मारपीट की गई थी, जिस संदर्भ में मैंने तत्काल थाना प्रभारी से कह दिया कि इस पे मुकदमा कायम कर दें और अभियुक्तगणों के खिलाफ जो है निरोधात्मक कार्रवाई भी कर दी गई है। जो गाड़ी सामने आई है उस गाड़ी को भी थाने में ले आए। सर, अभी जानकारी हुई कि वो अभियुक्त भी पकड़ चुका है कोतवाली में, गाड़ी आ गई है। हाँ, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि गाड़ी और अभियुक्त दोनों ही आ चुके हैं कोतवाली पे और जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो की